तो पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन नंबर टू है कि ये दो ईएमएफ, दो सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर कर सकता है, कंपेयर करके E1 बाई E2 की वैल्यू बता सकता है। कैसे? पहले एक काम करो, आप सिर्फ एक ईएमएफ ले आओ, एक सेल ले आओ, बस इसको छोड़ दो। मतलब ये दो दिखा जरूर रहा है लेकिन ये एट अ टाइम कनेक्ट एक ही कर रहा है। तो मान लो ये E1 है, आपने कनेक्ट किया, बैलेंस किया, बैलेंसिंग लेंथ L1 आ गई। क्योंकि ये बैलेंस्ड है तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो है, तो इसका मतलब इस पोटेंशियोमीटर ने ईएमएफ बैटरी का कोई करंट यूज किया ही नहीं। तो अगर यहां पोटेंशियल डिफरेंस E1 है तो यहां पर भी क्या डेवलप हो जाएगा? E1। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर E1 प्रोपोर्शनल टू L1। इक्वेशन नंबर 1 क्लियर है, क्योंकि जितना नीचे पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ऊपर होगा और उतनी बैलेंसिंग लेंथ होगी। अगर E बड़ा होगा तो L1 भी बड़ा होगा, तो E1 प्रोपोर्शनल टू L1। सिमिलरली सेकंड केस, अब ये बैटरी हटा के ये लगा दो तो E2 प्रोपोर्शनल टू नई बैलेंसिंग लेंथ आएगी L2, क्योंकि E2 बड़ा हो सकता है E1 से, और अगर EMF सेकंड बैटरी की बड़ी हुई तो बैलेंसिंग लेंथ भी बड़ी हो जाएगी, तो E2 प्रोपोर्शनल टू L2। क्लियर है? कांस्टेंट K एंड K, इन दोनों को डिवाइड कर लो, E1 बाय E2 इज L1 बाय L2। तो क्वेश्चन आते हैं इस पे कि आपके पास केस नंबर 1 ये बैटरी लगी, बैलेंसिंग लेंथ L1 है, ये बैटरी लगी, बैलेंसिंग लेंथ L2 है, तो क्या रेशियो लगाएंगे? E1 बाय E2 इज L1 बाय L2। क्लियर है यहां तक?